प्यारे सज्जनो, एक कहानी दो पेट बढ़ा दिए सरवण की रानी ने, मुंड पकड़ के रोया सरवण खोदू जिंदगानी ने, मेरा रहने का कोई धर्म नहीं है, इस मेरी घरवाली ने मेरे माता पिता के साथ में छल किया है, मेरा कोई रहने का धर्म नहीं है, अपने माता पिता को ले जाऊंगा और सेवा करूंगा। और जो कहने लगा इसकी बात भगवान से टाली नहीं जाती। बर्तन मांज करके चार बेटों को पार लेती है एक माँ, पत्नी आने के बाद में चार बेटों पर एक माँ पाली नहीं जाती। पता नहीं कैसे कैसे ख्यालों में खो जाते थे, कोई मजाक नहीं करता तो हम रो जाते थे, अब तो हम नींद की गोलियां खा करके जागते हैं। हम पहले एक माँ की लोरी में सो जाते, बोले सच्चे दरबार की। ऐसे सरवण कुमार अपनी माता से शाम का टेम हो चुका और जो कहने लगे किस प्रकार से
दोबारा से 121 रुपए और 20 और 141 रुपए। मैया रानी के इसी भजन पर खुश होकर के छोटे से लाला बड़े मेहरबान कदरदान माता जागरण में खुश होकर के दान करते हैं। मैं तो यही कहूँगा, माता रानी से विनती करूँगा, इनके जय जय कारे होते रहे और इनकी उम्र हजारी होती रहे। बोली सच्चे दरबार की। और श्रवण कुमार कहने लगे, पिताजी हम विश्राम करेंगे और राजधानी को छोड़ करके बहुत दूर चले आए हैं। और दूसरी तर्ज में क्या बतलाया है, दूसरी तर्ज में क्या होता है, देखिए कभी नहीं कभी इनकी कविताई कभी इनकी कविताई साल बीतताई। कभी जो होते हैं बड़े गंधर्व होते हैं गाने वाले, कभी तो कभी होता है मगर गाने वाले भी बहुत बड़े गंधर्व होते हैं। और रंजो कहने लगी, अंधी माता पिता बेटा सरवण हमको प्यास लग रही है, पानी पिलाइए, अगर तूने पानी नहीं पिलाया तो हमारे प्राण निकल जाएंगे बेटा। और देखिए दूसरी तर्ज क्या है जगन, देखिए मैं जो बोल रहा हूँ क्या होता है। हेरे अंधी माता ओ आ, ये कमीन की कविताई होती है। अंधी माता यो बोली बेटा तू रह कहण पुगइए, अंधी माता यो बोली बेटा तू रह कहण पुगइए, प्यास लगी है हम अंधों ने तू जल भर के लइए, अरे प्यास लगी है हम अंधों ने हे लागे नीर पे लइए। हे रात तू भी हाथ उठाइए बेटा, तू भी हाथ उठाइए बेटा, बच्चा लिए पानी ने मोड़ पकड़ के रोया चलवाले हो दो जगाई है, मोड़ पकड़ के रोया चलवाले हो दो जगाई है। और कहां पहुंच गए, सर्व नदी के किनारे पहुंच जाते हैं वो अंधे माता पिता को जल लेने के लिए। सर्व कुमार इधर से कौन, श्रवण का मामा दशरथ जी हो शिकार के लिए निकला हुआ था, मगर शिकार नहीं मिली, सुबह से शाम हो गई। इधर से श्रवण कुमार ने जाकर के तूबी को जल में डुबो दिया और किस प्रकार से दशरथ ने उसके तीर मारा, क्या होता है। Sita
ऐसी हुकूमत कमाई रे 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 ऐसी हुकूमत कमाई खुद सुधारी रे खुद सुधारी।